फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नदीम और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल रोजगार एंड लाइफस्टाइल। जी हाँ, संविदा वो अतिथि वर्सेस बीएडेड थारी, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अतिथि जो हमारे दोस्त हमारे मित्र काफ़ी सारे लोग हमारे पहचान वाले हैं, काफ़ी वेल एजुकेटेड हैं, और काफ़ी जो जिन लोगों ने डीएड बीएड कर ली है वो भी मेरे दोस्त हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं शिक्षक बनने की ओर। और सबसे पहले हम बात करें अतिथियों की, तो अतिथि ये चाह रहे हैं कि हमें गुरुजियों की तर्ज पर रख लिया जाए या फिर 25% आरक्षण दिया जाए, और हमारे जो डीएड बीएड धारी हैं वो बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इसी की लड़ाई हम मान सकते हैं इसको। अगर एक और देखा जाए तो हमारे अतिथि भाइयों ने सारी ज़िंदगी लगा दी, उन्होंने कुछ भी नहीं कमाया, 3,000 2,500 3,000 से अपनी नौकरी करते रहे वो, और 5-7 साल उन्होंने अतिथि में लगा दी ताकि वो शिक्षक बन जाए, पर उनके साथ ये नहीं हो रहा है। और एक और हम देखें, हमारे बीएड धारी जो बंदे हैं, उन्होंने बेचारों ने काफ़ी सारा पैसा लगाया, 1-2 लाख रुपए लगाए बीएड करने में, उन्होंने अपना समय गंवाया ताकि वो शिक्षक बन पाए। इसी को लेकर गवर्नमेंट भी असमंजस में है कि करें तो करें क्या, या तो हम अतिथियों को गुरुजियों की तर्ज पर रख लें, या फिर हम बीएड धारियों को, या फिर हम भर्ती परीक्षा निकाल लें। अब उसमें अगर भर्ती परीक्षा निकालते भी तो उसमें कितना परसेंट आरक्षण दें अतिथियों को? अगर अतिथियों को आरक्षण मिलेगा तो जैसा मैं आपको बता दूं, 2013 से संविदा भर्ती निकलने वाली थी और 3 से 5 बार पीवी पर नोटिफिकेशन भी आ चुका है, पर नोटिफिकेशन वापस हो जाता है क्योंकि किसी न किसी वजह से भर्ती नहीं निकल पाती। और अभी मैं आपको बता दूं, भर्ती आ सकती है अप्रैल एंड तक, हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए और भर्ती की डेट आ जाए। तो दोस्तों, अतिथियों की और बीएड धारियों की लड़ाई तो चलती रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोग जो है पहले से कंपटीशन की अच्छी तैयारियाँ कर लें, और अभी आने से पहले, भर्ती आने से पहले आप एक ट्रायल कंपटीशन एग्ज़ाम दे दें, ताकि आप जब आप मेन एग्ज़ाम आए भर्ती के टाइम पर, आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम दे पाएँ और निकल पाएँ। मैं तो चाहता हूँ हर बंदे की नौकरी लग जाए जो बहुत टाइम से, क्योंकि हमारे भाई बहुत टाइम से संविदा भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मैं आपको आगे जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, भर्ती जैसे ही आएगी, मैं सबसे पहले आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, सारा सिलेबस बता दूंगा। तो इसलिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। जो आपको सवाल अगर करना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।